हर पूंजी अवार्ड होती है। बुढ़ापे की जवानी स्मार्ट होती है, इनकी हर पूंजी अवार्ड होती है। गाड़ी पुरानी ही सही पर सेल्फ स्टार्ट होती है। देख लिया आपने कैसी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। इस उम्र में भी पंचम सुर को पहुंचा रहे हैं, पूरा आनंद आपको दे रहे हैं। निश्चित रूप से कीर्तन दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। आज आप दर्शन कर रहे हैं कीर्तन के माध्यम से आदरणीय महाराज श्री के सानिध्य में। महाराज श्री का ऐसा आदेश है कि जहां भी कोई चीज आपको लगे उसको जरूर टोकिएगा। तो एक समीक्षा पंडित शब्द पे आई है, यहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उसकी समीक्षा और व्याख्या सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम साहित्य के प्रवर्तक हैं, तो हमें सही दिशा समाज को देना चाहिए। पंडित शब्द जो मैंने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है, वेद वेदांति कर्मकांडी विद्वानों को ही पंडित बोला जा सकता है। अर्जुन धनुषधारी थे लेकिन वो पंडित नहीं थे, दक्ष थे विद्या में। कोई कुकर्मी किसी कुकर्म में दक्ष हो उसे पंडित नहीं कहा जा सकता। तो मैं निवेदन चाहता हूं कि महाराज जी का ऐसा आदेश था कि बिल्कुल तटस्थ कार्यक्रम होना चाहिए, और जो बात अच्छी ना लगे मुझे ले, मैं इस अतिशयोक्ति के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि मंद बुद्धि से बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन पंडित शब्द पर आज व्याख्या होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए कि कहां पंडित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। बस बहुत सुंदर गीत आदरणीय दादाजी की ओर से आया है, मतिमान को मिला है, गतिमान को मिला है, मेरे प्यारे हनुमान को मिला है, मेरा नाम सजनी। बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर गीत आपकी ओर से आया है, वास्तव में बहुत ही अच्छा गीत, मजबूत गीत आपकी ओर से। और मैं कहना चाहता हूं आज आदमी मतलबी हो गया है। इसी सूरज का सर्दियों में नमस्कार करता है और गर्मियों में तिरस्कार करता है, क्योंकि कद और पद से मान सम्मान बदल जाते हैं। कद और पद से मान सम्मान बदल जाते हैं, चढ़ावा कम हो तो पुजारी का आशीष और वरदान बदल जाते हैं। अगर समय पे भक्त की कामना पूरी नहीं हुई तो भक्तों के मंदिर और भगवान बदल जाते हैं, भगवान बदल जाते हैं। इसलिए आप लोग मतलबी मत होइएगा, सूरज को नमस्कार करते हो तो करते रहिएगा, काम पूरा हो। यहां हजारों लाखों लोग आते हैं, हजारों के काम बनते होंगे और हजारों के ना बनते होंगे, लेकिन उसको मंदिर और भगवान नहीं बदलना चाहिए। आस्था रखिएगा, आस्थावान रहिएगा, निश्चित रूप से आपको उसका पुण्य फल मिलेगा। अगर आस्था नहीं रखोगे तो आपको पुण्य फल नहीं मिलने वाला है, यही निवेदन है। और मैं दीक्षित जी आप लोगों के सामने आ रहे हैं, मैं कीर्तन का विराट कहूं तो अच्छा है, मैं कीर्तन का विराट कहूं तो अच्छा है, साहित्य का ललाट कहूं तो अच्छा है। जिसने बहा दी हो साहित्य संगीत अलंकारों की धारा, उसे कीर्तन का सम्राट कहूं तो अच्छा है। आ रहे हैं, तालियों से स्वागत करिएगा आदरणीय दीक्षित जी का। हेलो, सुन रहे थे आप? जी सुन रहे थे। आदरणीय दादाजी, मैं आपसे छोटा हूं, आप मुझसे बड़े हैं जी। चाहे व्यवहारिक जीवन में ले लें, चाहे आज के संवाद में ले लें, क्या बात, मैं आपसे छोटा हूं, छोटा ही रहूंगा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप जो बता रहे हैं कि जो ये गाएंगे उसका जवाब होगा, फिर आप सवाल नहीं करेंगे विषय पर,
तो क्या रात भर आप सवाल करते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे और बैठ जाएंगे? फिर आप कहते हैं हम ये गीत गा रहे हैं इसका आपको जवाब नहीं देना है। हमको करना क्या है थोड़ा? हमको भैया आदरणीय राजा साहब, हमने जैसा जवाब विषयवद सुना है बचपन में, इन्होंने विषय गाया हम उसका जवाब देंगे, केवल उसमें हम सवाल करेंगे ये जवाब देंगे। केवल कटपीस स्वतंत्र रहता है, जैसा भी निर्देश आप करें हम तो तैयार हैं। बताओ हमको इनके विषय का जवाब दें कि इनके गीत का जवाब दें कि इनका जवाब दें, क्या दें बताओ? आदरणीय दादाजी, मंच से निर्देश आया है, इन्होंने जो विषय गाया है जी, उस विषय को आप आगे अपनी तर्ज में गा के इनको दे देंगे। ये वो तर्ज नहीं आपको गानी है, फिर ये जाएंगे तो जहां हम छोड़ेंगे उसके आगे ये गा देंगे जी। ठीक है, बढ़िया है, हमें सब स्वीकार है। दिक्कत उनको होती है जो उनको लगता ही नहीं कहा है, जब महाराज जी का आशीर्वाद है हम कुछ दिक्कत नहीं है। ये गीत गाया इसका जवाब दिया जाए कि ना दिया जाए? इसका भी नहीं देना जी? अच्छा चलो ठीक है, और आजादी है। मैं आदरणीय दादा कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, मैं उनको पिता तुल्य मानता हूं, आदरणीय रामकृष्ण सैलानी जी बहराइच से हैं, उनकी चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि रफ्तार रफ्तार समय ये गुजर जाएगा। रफ्ता रफ्ता समय ये गुजर जाएगा, आज कब्जे में है कल मुकर जाएगा, तो दूसरों की बुराई में रखा है क्या? दूसरों की बुराई में रखा आप सुधरो जमाना सुधर जाए। ये दादा पंडित और पांडित की आपने जो परिभाषा दी है आप ही को मुबारक हो। बिना वेद और वेद की ऋचाओं के हर विषय का ज्ञानी कोई पंडित नहीं हो सकता, विशेषज्ञ हो सकता है। विज्ञान का जानकार व्यक्ति विज्ञान का विशेषज्ञ हो सकता है। आंखों का इलाज करने वाला आंखों का विशेषज्ञ हो सकता है। मकान बनाने वाला मकान का विशेषज्ञ हो सकता है। पंडित और पांडित से बहुत दूर रहेगा। जब तक वेद और वेद की ऋचाओं को नहीं छुएगा, अध्ययन नहीं होगा, तब तक पांडित्य से दूर रहेगा। क्या बात है, आइएगा एक गीत भेज रहा हूं। आइएगा अपने विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। न तुम्हारे जय हो सब राजा, वाह ज्ञानी वाह वाह क्या बात है। ये किसी ने अपराध सबको मार दोगे, इतने बहादुर तुमने आज तक कोई देखा ही नहीं। वाह इतनी हिम्मत,
लक्ष्मण सोच रहे कहने रहे बहुत बहादुर हो। वाह अभी तो तेग तलवार तमाम ये घूम रहे हो पैंट पहन के आयो ये हम कह रहे हैं लक्ष्मण जी नहीं कह रहे हैं जी न तुम्हारे जय हो सब राजा है। मेरी समझ में नहीं आता बाबा जी आप मुझको नहीं जानते मैं आपको जानता हूं देख लो मैं वही हूं कान कान बहु धालो ही तोरी लड़काई लेकिन कबहू नासिरिस कीन गुसाई लेकिन आज नाराज आश्चर्य है कि यही धनु पर यही धनु पर ममता के हेतु यही धनु पर ममता के हेतु महाराज सोच नहीं पा रहा हूं आगे नहीं बढ़ूंगा मैं कथा नहीं करूंगा विषय कहूंगा क्योंकि मैं लालचंद दीक्षित नहीं लक्ष्मण हूं क्षत्रिय हूं असली क्षत्रिय रघुवंशी सुनो महाराज क्षत्रियों को ललका रहे हो क्षत्रियों को न तुम्हारे जय हो सब राजा अच्छा किसी से कथा दिल मेरा है किसी से कथा दिल मेरा क्या बात है ये पत्थर का जमाना था दादा किसी से कथा दिल मेरा पत्थर का जमाना था सदिल टूट गया सदिल टूट गया महाराज याद करिए बौधन ही तोरी लड़काई याद है आदरणीय के जन्म संदाय से प्रार्थना करता हूं कि मैं कुछ खोज के लाया हूं महाराज श्री के चरणों के आशीर्वाद से वो धनु ही तोड़ने वाला कैसे कौन कहां कहां से देखेगा लक्ष्मण ने कहा बहुधन ही तोरी लड़काई बाबा करे कब हमारा याद करो गंधर्व पुत्र सारे महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया लगता है अरे तभी तो है। गंधा
रुद्र सारे लेते थे तुमसे शिक्षा, तब उनको करूं परेशान, होती थी मेरी मैं महाराज करता का बचपना था मेरा क्या कि पहले उन्हें सताता बोले और उनके धनुष छुड़ाता। मैं बचपन ही से चंचल था तो धनुषों को तोड़ करके फिर उनकी हंसी उनकी हंसी उड़ाता ए, ए, तो करनी पे मेरी हरदम कि करनी पे मेरी हरदम श्रीमान मुस्कुराए। क्या बात है, करनी पे मेरी हरदम श्रीमान मुस्कुराए जो धन टूट गए। क्या बात है, क्या बात है, जो धन टूट गए महाराज, टूटा जो धनुष शिव का, अब टूटा जो धनुष शिव का तो ये कारण समझ न आए कि क्यों रूठ गए, 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 क्यों रूठ गए। एक प्रसंग, दूसरा प्रसंग महाराज जी, महाराज जी नाराज ना होइएगा। एक बार मैंने ऐसा भी किया, ऐसा कथा नहीं पात्र, देवता परेशान कर रहे हैं, देवताओं को राक्षस परेशान कर रहे हैं। उपाय सोचा, पूछा तमाम उपाय, निकला कि अगर दधीच ऋषि की अस्थियां मिल जाएं तो उनमें इतना तपोबल है कि उनकी तपो उन तपा शक्ति से असुरों का विनाश किया जा सकता है। तो दानी दधीच ऋषि ने गौओं से तल चटाया, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे भारत में हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, अफगानिस्तान में नहीं मिलेंगे, अमेरिका में नहीं मिले, चीन में नहीं मिलेंगे, दूसरों के लिए अपना शरीर दान न, लेकिन हमारे भारत चाहे शिव हो चाहे दधीच हो, दानी दधीच जिसने गौओं से तन चटवाया, परिणाम क्या हुआ, क्या कि हड्डी को उनकी मैंने, महाराज मुझे को समझ रहे, मैं कौन हूं, याद करो मेरे पास लेकर आए दहित की हड्डियां, कर किया क्या, हड्डी को उनकी मैंने श्वासा से है तपाया, और क्योंकि हड्डी कैसे पिघलेगी, मेरे फन की सांस से गर्म होती थी, फन पटक देता था उस पर तो चिपक जाती थी। क्या बात है, धनु को तपा तपा कर निज फन से है दबाया, जे गरम हुआ फन से दबा दिया तो वो चिपक गई अच्छी, धनुष तैयार हो गया और तोड़ा, लेकिन जब शिवजी के धनुष की बारी आई
महाराज बहुत धन ही तोड़ी लड़काई कबूना गनाई, लेकिन इस धन की जिस इसी धनुष की बात कर रहा हूं मैं, ये धन हुई, ये धनु ही धनुया नहीं, ये धनु ही तोड़ी लड़काई। मैंने इस धन को भी कई बार तोड़ा। कैसे कैसे दादा, लक्ष्मण जी परशुराम जी कह रहे हैं जब बनाने के लिए जाए सारा धनुष बन जाता था, जब उसकी मूठ लगानी होती थी तो उसको जैसे ही लगाते थे खींचते थे टूट जाती थी कई बार। तो धन को तपा तपा कर धन से है दबाया, लेकिन तोड़ा कई दफा और फिर से उसे बनाया, फिर से उसे बनाया, फिर से उसे बनाया। क्योंकि मैं उस समय का विश्वकर्मा था, मना तो मैं ही रहा था, विश्वकर्मा जी खड़े थे, तपा तपा के तैयार मैं ही अपने फनों से कर रहा था। फिर से उसे बनाया, लेकिन कोशिश हजार की पर क्या बताए, कोशिश हजार की तब है, कोशिश हजार की तब शिवधन को बना पाए, कोशिश हजार की तब शिव धन को बना पाए, वो धन टूट गए। लेकिन महाराज कि टूटा जो शिव धनुष तो, ये टूटा जो शिव धनुष तो, अलग अलग लेखों में उन्हीं हड्डियों से 3.5 धनुष बनाए गए, 3.5 धनुष बनाए गए, पिनाक सार्ग गांडियो। लेकिन महाराज सुनिए, टूटा जो धनुष शिव का तो ये कारण समझ न आए कि क्यों रूठ गए, कि क्यों रूठ गए, जी। ठीक है, 501 बहुत है, अब इससे ज्यादा नहीं, 501 बहुत है, जाओ ज्यादा निकालेंगे, 501 बहुत है जी। एक टुकड़ा और सुनिएगा, इनसे वर्चित होंगे आप, मेरे छोटे भाई श्री राजेंद्र अवस्थी जी रतन नेगवा महाराजपुर, आप भी अच्छे कीर्तनकार हैं, गायक भी हैं, लेकिन गाते बहुत कम हैं, रचनाएं अच्छी करते हैं, बहुत सही बात। और खास तौर से कभी कभी समय बदलता है, कुछ दिन पहले हम दोनों भाई आपस में मिलकर के गीत लिख लिया करते थे, अब फिर से लिखेंगे आज के बाद। एक और सुनिएगा, कि जब तुम इस धरा को, जब जब तुम इस धरा को दुष्टों से हीन करते, मैं जानता हूं आप विष्णु अवतार हैं, कि अब अस्त्र शस्त्र लाके सब विहीन किया देवताओं ने, और सारे अस्त्र शस्त्र ला करके
एक जगह कहीं ना कहीं निश्चित करते थे यहाँ रख देना है, वो महाराज आपके वहां पहुंच गए। सब अस्त्र शस्त्र लाके आश्रम में आके धरते सारे अस्त्र शस्त्र जगह इकट्ठे होते चले जाते तो पृथ्वी उससे बोझिल होने लगती। देवगंध तमाम उसने जब बोझिल हुई, शेष जी ने कहा कष्ट तो हमको भी है, तो पृथ्वी माँ बनी, शेष जी बालक बन करके तुम्हारे पास पहुंच गए। आश्रम में आपके मैं करता बहुत परिश्रम, लेकिन देवर न चंद तब तक अर धनुषों को तोड़ करके करवाया है पर धरती के कारण शेष के कारण दोनों ने मिलकर के हुआ क्या, क्या? धनुषों को तोड़ करके करवाया है उन्हें कम, करवाया है उन्हें कम। लेकिन महाराज कि देवर न चंद तब तक अरे देवर न चंद तब तक ऐसे कभी दिखाए जो धन टूट गए। लेकिन महाराज कि टूटा जो शिव धनुष तो अब कारण समझ न आए क्यों रूठ गए।